सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता में पार्ट 9 पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 15 अगस्त को हमारी जो है जो टेस्ट होना है वो 15 अगस्त को होगा, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है आप जीते 200 रुपये का इनाम। और दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और याद रखिएगा कि कम से कम जो है 22 नंबर पाना आपको अनिवार्य है, और 22 नहीं तो 20 नंबर तो कम से कम पाना ही है। इस उद्देश्य से जो है आज आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ लीजिए, आज पढ़िए, कल पढ़िए, और शाम को 7 बजे जो है आप लोग टेस्ट दीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ये इनाम ज़रूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले अगर पार्ट 8 नहीं देखे हैं आप लोग तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 8 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पृथ्वी का परिचय। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का परिचय। जी हाँ दोस्तों, तो पृथ्वी के परिचय में पहला प्रश्न लिखा है कि हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। तो दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट करिए। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ग्रीक, दूसरा रोमन, तीसरा अंग्रेजी, चौथा संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, मैं आपके प्रश्न कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगर मैं बताऊं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी को छोड़कर बाकी जितने भी नाम हैं, दोस्तों पृथ्वी को छोड़कर सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनका नाम ग्रीक या रोमन भाषा में है, लेकिन हमारी पृथ्वी का नाम या धरती का नाम जो है वो किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न पर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी के आकार के निकट है। जी हाँ दोस्तों, किस ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार के निकट है। पहला मर्क्यूरी, दूसरा मार्स, तीसरा वीनस, चौथा सैटर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दोस्तों वीनस की बात करें तो वीनस को ही शुक्र ग्रह भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीनस को ही शुक्र ग्रह कहते हैं, और इसका जो आकार है दोस्तों, शुक्र ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार के समान है, इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं पृथ्वी की बहन। जी हाँ दोस्तों, इसी को जो है पृथ्वी की बहन कहते हैं, किसको, शुक्र ग्रह को दोस्तों। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला पारिस्थितिकी, दूसरा जीव विज्ञान, तीसरा आचार शास्त्र, और चौथा ऑप्शन जो है भूगर्भ शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा चारों में से। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम वही बात करें पृथ्वी का अध्ययन, देखिए अर्थ मतलब पृथ्वी का अध्ययन, तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमको भूगर्भ शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भूगर्भ शास्त्र का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। वहीं अगर जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए तो उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, तो वो जीवों का और वनस्पतियों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर जीवों एवं वनस्पतियों के साथ संबंध की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, जीवों और वनस्पतियों के अध्ययन की बात करेंगे तो जीव विज्ञान, और जीवों और वनस्पतियों के संबंध की बात करेंगे तो परिस्थिति विज्ञान, और पृथ्वी के अध्ययन की बात करेंगे तो भूगर्भ शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों वही अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों, तो क्या कह रहा है देखिएगा, पृथ्वी की सतह के से क्रमशः ऊपर जाते हुए वातावरण की परतों का क्रम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब हम पृथ्वी के नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे से ऊपर जाते समय जो परत का क्रम है वो क्या है दोस्तों, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल। दोस्तों चार ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करिए और बताइए दोस्तों। तब तक दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, इसकी विस्तृत जो है मैं देखता हूं यहां पे बताता हूं दोस्तों, तब तक आप लोग उसका कमेंट करिए और मैं बताता हूं दोस्तों। जो आपका पृथ्वी अर्थात जीरो से लेकर के 12 किलोमीटर है ना दोस्तों, जीरो से लेकर के 12 किलोमीटर तक की जो परत है उसको कहते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी 0 से 12 किलोमीटर की परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। वहीं 12 से 15 किलोमीटर की जो परत है दोस्तों उसको कहते हैं समताप मंडल दोस्तों, समताप मंडल, अब इसको आप समझ लीजिएगा। वहीं अगर हम आगे बात करें तो 12 से 50 होगा दोस्तों, और 50 से लेकर के दोस्तों 80 किलोमीटर का जो मंडल है उसे कहते हैं दोस्तों मध्यमंडल। जी हाँ दोस्तों, और वहीं इससे ऊपर का जो परत होता है हमारा वो होता है आयन मंडल। तो दोस्तों चलिए हम चर्चा करते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बताया कि क्षोभ मंडल होता है, तब इसमें देखिए क्षोभ मंडल कहाँ पर है, डी ऑप्शन में सबसे पहले क्षोभ मंडल है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें क्या कह रहा है देखिएगा, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के बाह्य पटल पर, ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी के बाह्य पटल की बात हो रही है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी के भूपरपटी पर सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो है आपका सिलिका या सिलिकन जिसको बोलते हैं, जो कि 27.69% है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा है वो आपका ऑक्सीजन है दोस्तों, 46.71% दोस्तों। तो अब कह रहा है कि बाह्य पटल पर सबसे ज़्यादा, बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे ज़्यादा क्या है, देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है 46.71%, सिलिकॉन 27.69%, तो अर्थात जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, महाद्वीप एवं द्वीप पर। तो हमको पता होगा दोस्तों पांच द्वीप हैं हमारे और पांच महाद्वीप, एक मिनट रुक जाइएगा, द्वीप की अगर बात की जाए, द्वीप और महाद्वीप, तो महाद्वीप का मतलब कि हम लोग जानते होंगे कि सात महाद्वीप हैं हमारे पास, और एक आठवां महाद्वीप की खोज की गई जो कि आपका जीलैंडिया महाद्वीप था। जी हाँ दोस्तों, आठवें महाद्वीप की खोज जो हुई वो जिसको जीलैंडिया महाद्वीप कहते हैं, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा या नॉलेज स्पेशल में जाइएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ पर आपको जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में पूरा विस्तृत बताया गया है दोस्तों। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं आगे, यदि आप फिलीथेयो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिलीथेयो द्वीप पर हैं तो किस देश में होंगे, तो दोस्तों अगर हम बात करें फिलीथेयो द्वीप जो है वो आपका मालदीव में है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फिलीथेयो द्वीप जो है वो मालदीव में है। और मालदीव कहाँ पर है दोस्तों, तो मालदीव दोस्तों वो आपका हिंद महासागर में है। जी हाँ दोस्तों, मालदीव जो है वो आपका हिंद महासागर में है। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, आर्किपेलेगो क्या है, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, भूमि या समुद्र का मिलान, एक वस्तुकार का वैकुंठ, या एक प्रकार का चर्च। जी हाँ दोस्तों, आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप लोग बताइए कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसके सही जवाब की बात करें, आर्किपेलेगा जो है ये क्या है, तो दोस्तों आर्किपेलेगा जो है ये आपका द्वीपों का समूह है, श्रृंखला है या संग्रह है दोस्तों। इटली के जो निवासी हैं, कहाँ के, इटली के दोस्तों,
इटली के जो निवासी हैं उन्हीं को आर्किपेलेगा कहते हैं, जबकि यूनानी एजियन को पेलेगा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूनानी एशियन को जो एजियन को पेलेगा कहते हैं, वहीं अगर हम आंग्ल भाषियों की बात करें, किसकी दोस्तों, आंग्ल भाषियों की बात करें तो दोस्तों आंग्ल भाषी जो है इसे एजियन सागर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वीपों का समूह, श्रृंखला या संघ या संग्रह। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको दमदार लग रहे हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगला देखिए दोस्तों, पर्वत पर अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत किलिमंजारो। एक चीज़ तो आपको मिल गया दोस्तों कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो किलिमंजारो है, ये किस देश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो आपका है, लेकिन ये किस देश में, किस राज्य में या किस देश में स्थित है ये बताना है आपको। तो दोस्तों अगर हम बात करें किलिमंजारो की, तो किलिमंजारो जो है तंजानिया के, जी हाँ दोस्तों, तंजानिया के उत्तर में, दोस्तों किलिमंजारो जो है वो तंजानिया के उत्तर में है। दोस्तों कहाँ पर, तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में है, और इस पूर्वी भाग का जो नाम है कैसर विल्हेम स्पिट्ज है। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है देखिएगा, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है कैसर विल्हेम। जी हाँ दोस्तों, कैसर विल्हेम और स्पिट्ज। जी हाँ दोस्तों, इसका जो नाम है कैसर विल्हेम स्पिट्ज, इसका जो है नाम है, और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत की बात की जाए दोस्तों, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 29,028 फीट। जी हाँ दोस्तों, 29,028 फीट ऊंचा है, और अगर हम इसकी ऊंचाई मीटर की बात करें तो 8,848 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, और ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों, तो ये नेपाल में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये नेपाल में स्थित है, और वहीं अगर हम गाडविन आस्टिन केटू की बात करें तो केटू जो है वो आपका काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कह रहा है, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी या माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितना फीट ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका चोटी है ये जो है समुद्र स्तर से कितना ऊंचाई पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको यही बताना है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला 2900, दूसरा 27,000, 24,000, 26,000। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो आप लोग बताइए, अभी अभी दोस्तों हमने बताया, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29,000। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न पर दोस्तों अगर चर्चा करें तो सागर एवं महासागर है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच की अगर बात की जाए तो ये जो है आपका सबसे गहरा, जी हाँ दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच की अगर बात की जाए तो ये आपका सबसे गहरा जो है गर्त है। मेरियाना ट्रेंच दोस्तों सबसे गहरा गर्त है, जो कि आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, स्वेज नहर, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। दोस्तों तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम जो है स्वेज नहर करती है, और अगर हम बात करें तो ये नहर जो है 164 किलोमीटर चौड़ी है। जी हाँ दोस्तों, 164 किलोमीटर चौड़ी है। एक मिनट रुक जाइएगा, स्वेज नहर जो है ये आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है दोस्तों, और ये 164 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 164 किलोमीटर लंबी है,
और 300 मीटर चौड़ी है। जी हाँ दोस्तों, 300 मीटर चौड़ी है और 164 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो 1969 में, जी हाँ दोस्तों 1969 में जो है इसको बनाया गया था दोस्तों। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे पर नदी होती है, एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है, एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादक है, खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम चर्चा करते हैं अर्थात खाड़ी जो है किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बताएं आपको तो खाड़ी जो है, खाड़ी को जो है ज्वार नदमुख कहते हैं दोस्तों। खाड़ी को ज्वार नदमुख कहते हैं दोस्तों। एक मिनट रुक जाइएगा। खाड़ी को ज्वार नदमुख कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाड़ी को ज्वार नदमुख कहते हैं। अब चूंकि आप जानते होंगे कि जितनी भी अगर भी भारत की बात कर ली जाए दोस्तों, अगर अभी हम भारत की बात करें तो यही भारत है आपका, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। जितनी भी नदियाँ होती हैं दोस्तों वो सभी नदियाँ आकर के यहाँ पर गिरती हैं, और यहाँ पर चूँकि सागर मतलब महासागरों का पानी रहता है तो इसलिए ये खारा होगा। एक चीज़ तो आपको पता है कि खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है, ये तो आपका सही है दोस्तों। वहीं देखिए, एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे छोर पर नदी होती है। दोस्तों अगर ये बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो इधर आपका हिंद महासागर है, यहाँ से आपकी नदी गिरती है, अर्थात एक छोर पर आपका समुद्र है और एक छोर पर नदी है, ये भी सही है दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों अगले पॉइंट की बात की जाए तो अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है। एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादन होता है, सही है दोस्तों। एक खाड़ी जो होती है वो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, जैव विविधता होती हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों, तो ये भी सही है, अर्थात ए बी सी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, अपने दोस्त भाई और सर को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि हिमनद ग्लेशियर बनाती है, हिमनदी ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर जो है किस चीज़ से बनता है। एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, ग्लेशियर किस चीज़ से बनता है, पिघलता हुआ बर्फ, बर्फ का जमाव, भारी ओलावृष्ट या फिर भारी वर्षा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का जमाव। जी हाँ दोस्तों, बर्फ के जमाव को दोस्तों हिम ग्लेशियर या हिम नदी कहते हैं। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें दोस्तों, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में जब कोई सुनामी आनी रहती है या फिर कोई चेतावनी देनी रहती है तो उसके लिए किस कलर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों कमेंट करिए और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन होमवर्क मैंने आपको दे दिया ये, और इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो क्या कह रहा है देखिएगा, नीचे चार शब्द दिए गए हैं जिसमें से तीन कुछ रूप से समान हैं और एक शब्द अलग है बाकियों से, तो बताइए कि वह कौन सा है, मीनार, सागर, घाटी, पहाड़। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए सागर की बात कर दी जाए अगर दोस्तों, सागर की बात करें तो जल से संबंधित है, पहाड़ की बात करें तो ये भी आपकी उससे संबंधित है, और अगर घाटी की बात करें दोस्तों, देखिए ये सभी घाटी हो गई, पहाड़ हो गई, सागर हो गया, ये सभी स्थापत्य कला, देखिए दोस्तों ये सभी जो है जैसे कुतुब मीनार हो गया, सागर हो गया, घाटी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सभी प्राकृतिक है। रुक जाइएगा, सागर, पहाड़, घाटी, ये सभी आपकी प्राकृतिक है, लेकिन मीनार हो गया, कुतुब मीनार जिसको बोलते हैं,
या फिर कोई स्थापत्य कला का उदाहरण हो गया, ये सभी कृत्रिम है। चूँकि देखिए मंदिर बनाई जाती है, मीनार बनाया जाता है, मस्जिद बनाई जाती है, ये सब प्राकृतिक नहीं है। लेकिन घाटी सागर, क्या आप सुने हैं कि हाँ ये घाटी बनाई गई, ये पहाड़ बनाया गया, क्या कभी सुने हैं? अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीनार। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें, नदियों के किनारे बसे शहर। जी हाँ दोस्तों, नदियों के किनारे बसे शहर। नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग किस नदी के समान है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए अमेजन नदी, अमेजन नदी के जो नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी है। जी हाँ दोस्तों, हमजा नदी जो है, हमजा नदी दोस्तों ये आपकी अमेजन नदी के नीचे बहती है। जी हाँ दोस्तों, अमेजन नदी के नीचे बहती है हमजा नदी। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 700 से 1400 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हमजा नदी जो है ये 700 से 1400 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायाडक्ट, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है वायाडक्ट है, मिल्लाऊ वायाडक्ट किस नदी पर निर्मित है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है ये किस नदी पर स्थित है? सीन नदी, टार्न नदी, डूरांस नदी या फिर लायर नदी? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों अगर हम बात करें कि अपनी संरचनात्मक दृष्टि से सबसे ऊंचा पुल है, जी हाँ दोस्तों, अपनी संरचनात्मक दृष्टि से सबसे ऊंचा पुल है ये। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो है 1125 फीट ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, 1125 फीट ऊंचा है ये पुल। कौन सा पुल? मिल्लाऊ वायाडक्ट जो है ये 1125 फीट ऊंचा है दोस्तों, और ये फ्रांस में स्थित है दोस्तों। तो अगर हमने फ्रांस कह दिया तो आप लोग बता सकते हैं कि किस नदी के किनारे होगा, क्योंकि हमको पता है कि फ्रांस जो है ये टार्न नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टार्न नदी। जी हाँ दोस्तों, टार्न नदी। और दोस्तों इसका अगर हम एक प्रश्न इससे और निकालें तो चूंकि अभी हमने बताया कि फ्रांस जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग जान जाइएगा टार्न नदी के। आगे कह रहा है विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है, और विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। तो इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान है जाम्बिया, जिम्बाब्वे। जी हाँ दोस्तों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों की सीमा पर जो है ये झरना जो है स्थित है दोस्तों। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और ले लेते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम बात करें भूकंप का कारण बनने की, तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं यही आपके भूकंप के कारण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट में होता क्या है कि भारी मात्रा में गैस निकलती हैं, भूस्खलन होता है, नाभिकीय परीक्षण जैसे होते हैं, उसी तरह से जो है ये सब कारण होते हैं जो कि आपकी भूकंप से संबंधित होता है दोस्तों। अगले प्रश्न पर दोस्तों अगर चर्चा करें तो क्या कह रहा है देखिएगा, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, तो पहला एकदम सही है दोस्तों,
कि 1935 में इसे विकसित किया गया था, सही है। अगला देखते हैं, यह एक लघुगणकीय पैमाना है, सही है दोस्तों ये भी कि यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के प्रयोग में नापा जाता है, मतलब कि भूकंप के तीव्रता जो है इसी से मापते हैं, ये भी सही है दोस्तों। आगे कह रहा है रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 8-9 की तीव्रता का मतलब है कि बहुत अधिक भूकंप आना या फिर विनाशकारी भूकंप आना या फिर पूर्ण विनाश होना, तथा जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें दोस्तों, और आज का आखिरी प्रश्न है कि कह रहा है निम्न में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, निम्न किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, मौना केया, तमु मासिफ, माउंट वेस्यूस या ओजस डेल सलाडो। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए तमु मासिफ जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, और ये अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर की सतह से 2 किलोमीटर नीचे है दोस्तों, और ज्वालामुखी ये जापान के 1600 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जापान से 1600 किलोमीटर पूर्व में स्थित है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों अगर आपको बता दें तो नॉलेज स्पेशल में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने कई टॉपिक बताए हैं, जैसे चीन का मंगल मिशन जो अभी अभी आया 93 उसके बारे में बताया है। और दोस्तों अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, और पूरी तैयारी के साथ कल हिस्सा लीजिए और जीतिए 200 रुपये का नगद पुरस्कार। और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।